सद्गुरु, आपकी राय में मानसिक परेशानियों का बुनियादी कारण क्या है? आप देखेंगे जैसे जैसे समाज ज्यादा से ज्यादा अमीर होते जाते हैं, वो बुरे से बुरा खाना खाने लगते हैं। बोध का स्तर समय के साथ कम होता चला जाएगा। सिस्टम को साफ कर दीजिए, आंत को साफ कर दीजिए, अचानक आपको थोड़ा संतुलित लगता है। मेरा यकीन कीजिए, आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया लगभग आगे नहीं बढ़ेगी। तो सद्गुरु, आपकी राय में मानसिक परेशानियों का बुनियादी कारण क्या है? अगर आप एक कारण पूछ रहे हैं तो खैर कई हो सकते हैं। देखिए, एक चीज है, जिस तरह से हम खाते हैं वो मानसिक बीमारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस तरीके से आज हम केमिकल्स और हार्मोन्स को कई स्तरों पर अचेतन रूप से खा रहे हैं, वो इस पीढ़ी की मानसिक बीमारी का एक गंभीर हिस्सा है। हम खाने को कैसे अंदर लेते हैं? यूके के लिए ये थोड़ा अवास्तविक लग सकता है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम जीवन को इस तरह देखते हैं, एक व्यक्ति के रूप में आप जो हैं जैसे हैं, वो अपने माता पिता के कारण हैं। जिस स्कूल में आप गए, जैसी शिक्षा आपको मिली, अब जैसा माहौल आपको अपने जीवन में मिला है, इसी वजह से आप इस तरह के इंसान बने हैं, है ना? हम बहुत बहुत सारी चीजें ग्रहण करते हैं, तो हर समय आप ग्रहण करते रहते हैं। आप जो ग्रहण कर रहे हैं वो बस जानकारी और विचार नहीं है। जीवन बहुत सारे स्तरों पर ग्रहण करता है, ये ऊर्जा के स्तर पर ग्रहण करता है। तो भारत में हम ध्यान रखते हैं कि कहीं भी अगर आप कुछ ग्रहण करना चाहते हैं तो पहली चीज है कि आप अपनी पालथी लगाते हैं, ठीक है? अभी मैं उसी तरह बैठा हूं, शायद आपको दिखाई ना पड़े, लेकिन पहली चीज है कि आप पालथी लगा लेते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर के निचले हिस्से से ग्रहण नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चीज को ग्रहण करने का मतलब है कि हम अपने शरीर के ऊपरी हिस्से से ग्रहण करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी जगह पर जाएं जहां हमें लगता है वो ऊर्जा की दृष्टि से शक्तिशाली है, तो पहली चीज है कि हम अपनी पालथी लगाते हैं और अपने हाथ खुले रखते हैं। जानते हैं, योग के शरीर विज्ञान में ये ऐसे है, इसके अनुसार 112 चक्र हैं, 114 हैं, लेकिन असल में मानव सिस्टम में 112 हैं। इन 112 में कुल 7 श्रेणियां हैं, हर एक में 16 होती हैं। इन सातों को दुनिया में आज आमतौर पर चक्रों के रूप में जाना जाता है। तो पहले 3 जीवन संरक्षण प्रक्रिया के लिए हैं, और बीच में मौजूद 1 इनके मिलने को दर्शाता है। यहां से अनाहत और उसके आगे ये जीवन की आत्मबोध की प्रक्रियाओं से जुड़े हैं। तो उस मायने में ये महत्वपूर्ण है कि आप कुछ खास चीजें खास तरीके से ग्रहण करें। खाने को ग्रहण करने की दृष्टि से बहुत बुनियादी स्तर माना जाता है। हम खाना कैसे ग्रहण करते हैं, हम क्या ग्रहण करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम क्या ग्रहण कर रहे हैं? फिलहाल आप देखेंगे जैसे जैसे समाज ज्यादा से ज्यादा अमीर होते जाते हैं, वो बुरे से बुरा खाना खाने लगते हैं, जिसे भारत का गांव वाला व्यक्ति छुएगा भी नहीं। बहुत प्रगतिशील शहर उस किस्म का खाना खा रहे हैं। जब मैं उस किस्म का खाना कहता हूं, लगभग हर चीज जिसे आज पश्चिमी समाज इस्तेमाल कर रहा है वो कम से कम 30 से 60 दिन पुरानी होती है। योग में भोजन को सत्व, रजस और तमस के रूप में बांटा गया है। तमस यानी जड़ता। अगर आप कोई भी चीज खाते हैं जिसमें तमस है, तो आपके शरीर में जड़ता आ जाएगी। जड़ता का मतलब ये नहीं है कि आप बस आलसी हो गए हैं। Inertia means certain things slow down. Certain things means essentially regeneration of the system slows down. जड़ता यानी कुछ चीजें धीमी हो गई हैं। कुछ चीजों का मतलब मुख्य रूप से सिस्टम का पुनर्निर्माण धीमा पड़ गया है। आज आप जानते हैं कि न्यूरल न्यूरोजेनरेशन यानी तंत्रिकाओं का पुनरुत्पादन आपके मस्तिष्क को ठीक ढंग से जीवन भर के लिए क्रियाशील बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो कि तामसिक है, या आपके सिस्टम के सामान्य क्रियाकलाप में आप जो हैं उसकी ऊर्जा प्रणाली में जड़ता पैदा करता है, तब आप देखेंगे कि बोध का स्तर समय के साथ कम होता चला जाएगा, क्योंकि हर कोई इस बात को समझता है। इसीलिए वो कोका कोला या कॉफी या अल्कोहल या किसी और चीज के कई कई कप पी रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें उसे संतुलित करने की जरूरत है। तो इस तरह का संतुलन
अपने सिस्टम को संतुलित करने का बहुत अनाड़ी तरीका है, यानी आप पहले गलत चीजें डाल रहे हैं और फिर सही चीजों से आप उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा एंटासिड, दुनिया के लगभग 60% एंटासिड अमेरिका में बिकते हैं, जो धरती पर सबसे अमीर आबादी है। इसका मतलब हुआ कि उनके पास पोषण के लिए चुनने के लिए कितना कुछ है। वो सबसे बढ़िया खाना खा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो सबसे बुरा खाना खाएंगे, क्योंकि व्यापारिक ताकतें तय करेंगी कि आपको क्या खाना है। अब आप जागरूक रहते हुए वो नहीं खा सकते जो आप खाना चाहते हैं। योग संस्कृति में अगर आपने कोई चीज पकाई है तो अधिकतम समय जिसके अंदर आप उसे खा सकते हैं 1.5 घंटा है, 90 मिनट। उससे पहले आपको उसे खा लेना होता है। उसके बाद हम उस भोजन को नहीं छूते, क्योंकि उसमें तमस जमा होने लगता है, जड़ता होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप प्रयोग करना चाहें तो आजमा कर देख सकते हैं। कोई चीज लीजिए, 1 हफ्ते तक कोई बहुत ताजी चीज खाइए, और फिर कोई ऐसी चीज खाइए जो प्रोसेस्ड हो या 1-2 महीने से रखी हो, उसे खाइए। आप देखेंगे कि सिस्टम में सतर्कता का स्तर आपको अपने अनुभव में पता चल जाएगा। लेकिन ये कोशिकाओं के स्तर पर हो रहा है। ये इस तरह से हो रहा है कि हम इसे ओजस कहते हैं। इसके लिए कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। अगर आप पर्याप्त ओजस पैदा करें, जो ऊर्जा का भौतिक आयाम है, अगर आपके शरीर की हर कोशिका इसमें लिपटी हुई है, मेरा यकीन कीजिए, आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया लगभग आगे नहीं बढ़ेगी। आपकी कोशिकीय आयु लगभग एक लंबे समय के लिए ठहर जाएगी। कुछ टेस्ट हैं जो उन्होंने मुझ पर किए हैं, पता है, उनका कहना है कि मेरी कोशिकीय आयु 25 है। वैसे मैं अभी भी 25 के जैसा ही हूँ। मैं गतिविधियों का वही स्तर कायम रखे हुआ हूँ, वही वजन, हर चीज वैसे ही है। ये कोई चमत्कार नहीं है। कुछ बुनियादी चीजों पर कुछ साधारण सा ध्यान देने से हर इंसान ये करने में सक्षम है। भोजन के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं तो एक चीज होती है जिसे विरुद्धाहार कहते हैं, यानी कि अगर आप एक चीज खाते हैं और फिर दूसरी चीज अंदर डालते हैं जो उसके विपरीत काम करती है, तब आपके सिस्टम में एक युद्ध छिड़ जाता है। आप जानते हैं, पाचन की प्रक्रिया मुख्यतया अम्लीय और क्षारीय और इन सब चीजों के बीच में होती है। मिसाल के लिए, आप मांस खाते हैं जो चर्बी है। अगर आपने इसे सिर्फ ऐसे ही खाया होता तो यह उतना नुकसान न करता, लेकिन अगर आपने उसे चावल और घी के साथ खाया, आप उसे बिरयानी कहते हैं, और आपने उसे खाया, अब नुकसान बड़ा होगा, क्योंकि ये दो चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। इसीलिए कोई मांसाहारी भोजन और दूध के उत्पाद को कभी साथ में नहीं खाया जाता था, क्योंकि जिस पल आप उन्हें मिलाते हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे और आप खुद के अंदर एक लड़ाई पैदा कर लेंगे। योग संस्कृति में भोजन को आपके पेट की थैली में 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। 2.5 घंटे के अंदर इसे आगे बढ़ जाना चाहिए, या आपको पेट खाली महसूस होना चाहिए। भूख नहीं लगेगी, बस पेट खाली रहेगा, और वो अच्छा है। हम अपने पेट को हमेशा खाली रखना चाहते हैं, क्योंकि खाली पेट में हर चीज बढ़िया काम करती है। और आंत का स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसको आज पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। आप अपनी आंत को साफ नहीं रखते तो अपने मन को संतुलित अवस्था में रखना बहुत मुश्किल है। तो आयुर्वेद और सिद्ध में पहली चीज, अगर आप कुछ भी कहते हैं, आपको रात में नींद नहीं आती, आपको किसी चीज से परेशानी है, हल्का किसी किस्म की मनोवैज्ञानिक समस्या है, तो पहली चीज है सफाई। सिस्टम को साफ कर दीजिए, आंत को साफ कर दीजिए, अचानक आप थोड़ा संतुलित महसूस करते हैं। So in the yoga center, the day starts with a small marble sized ball of neem and turmeric. तो योग केंद्र में दिन शुरू होता है छोटी सी कंचे जितनी नीम और हल्दी की गोली से। इसके आपके सिस्टम पर क्या असर हैं, उसके कई पहलू हैं। एक तत्काल चीज जो ये करेगा वो ये कि ये आपकी आहार नली को साफ रखेगा। जब हम साफ कहते हैं तो यही वो इलाका है जहां आपके अंदर सबसे ज्यादा दूसरे जीव मौजूद होते हैं। तो इस आहार नली के अंदर बहुत प्रकार के सूक्ष्म जीवी मौजूद होते हैं, उनमें से कई हमारे लिए अनुकूल बन गए हैं। हम उनके कारण ही जिंदा हैं, उनके कारण ही हम भोजन को पचा पाते हैं। शरीर में अलग अलग तरह के कार्य उनके कारण होते हैं, लेकिन फिर भी कई हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। नीम का अनोखापन ऐसा है, खासकर जब उसे हल्दी के साथ लिया जाता है। अगर ये दो चीजें एक साथ अंदर जाएं तो मुख्य रूप से वो चीजें जो शरीर के लिए जरूरी नहीं हैं, वो चीजें जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी भी किस्म का परजीवी जीवन जो वहां है, वो सब चीजें निकल जाती हैं। ये संपूर्ण समाधान नहीं है, लेकिन ये शरीर के अंदर
सुधार के लिए बुनियादी आवश्यक वातावरण बनाएंगे, जिससे कि या तो दवाओं से या जरूरी अभ्यासों से आप सुधार ला सकते हैं। कैसे हम कोई व्यक्ति जो अभी तकलीफ में है उसके लिए इसे कैसे किया जाए, उसके लिए एक करुणामय दृष्टिकोण की जरूरत है, ना कि एक मानक दृष्टिकोण की मेरा तरीका या तुम्हारा तरीका। इसे संभालने का ये बहुत बेवकूफ़ी का तरीका है कि इसे इसी तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि इंसान वैसे नहीं है। गलत की बजाय सबसे सही, यानी गलत की बजाय ज्यादा सही क्या हो सकता है, इसकी एक समझदार कार्यवाही ही है जो आप कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि लोगों की मानसिक स्थिति के बारे में किसी को भी पूर्ण अधिकार है।